नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 14 राजनीतिक दलों के विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर मनमाना इस्तेमाल और भविष्य के लिए दिशा निर्देश जारी करने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि नेताओं को विशेष इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती और उनके भी आम नागरिकों जैसे ही अधिकार हैं। मामले की सुनवाई कर रहे सीजेआई ने कहा कि नेताओं की गिरफ्तारी पर अलग से गाइडलाइन नहीं हो सकती। इसके बाद याचिका वापस ले ली गई है। सीजेआई ने आगे कहा कि राजनीतिक नेता मूल रूप से एक नागरिक होता है और नागरिक के रूप में हम सभी एक ही कानून के अधीन हैं। हम ये कैसे आदेश जारी कर सकते हैं कि तिहरे टेस्ट के बिना गिरफ्तारी ना करें? सीआरपीसी में पहले ही प्रावधान है, आप गाइडलाइन मांग रहे हैं, लेकिन ये सभी नागरिकों के लिए होगा। राजनीतिक नेताओं को कोई उच्च इम्यूनिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों को उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। बता दें, शीर्ष अदालत मलयालम न्यूज चैनल पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर आज बुधवार को सुनवाई कर रही थी। इसने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर मलयालम न्यूज चैनल मीडिया वन के प्रसारण पर केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की नीतियों और कार्यों की चैनल द्वारा आलोचना को राष्ट्रीय विरोधी या सत्ता विरोधी नहीं माना जा सकता है और एक जीवंत लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र प्रेस जरूरी है। बारंट बेंच के अनुसार भारत के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की बेंच ने केंद्र के इस तर्क को खारिज कर दिया कि चैनल के कुछ प्रसारणों ने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे हवा में नहीं किए जा सकते, इसके समर्थन में ठोस तथ्य होने चाहिए। पूर्व कांग्रेस नेता और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में अब भी कुछ नहीं बदला है। एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में आजाद ने कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किया और कहा कि चुनावी हार जीत में कांग्रेस नेतृत्व की कोई भूमिका नहीं है और उसका किसी भी सीट पर कोई प्रभाव नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वही जीत की उम्मीद करती है जहां लोकल लीडरशिप मजबूत है। 2024 के लिए चल रही विपक्षी एकता की संभावना से भी गुलाम नबी आजाद ने साफ इनकार कर दिया। गुलाम नबी आजाद के बयान के बाद अब कांग्रेस नेताओं ने भी उन पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गुलाम नबी आजाद पर हमला बोलते हुए ट्वीट कर कहा कि गुलाम नबी भाईजान, आप कांग्रेस को क्या एक्सपोज और डिमोलिश करेंगे? पहले कश्मीर में अपनी पार्टी को तो बचा लीजिए। 40 साल कांग्रेस में रहकर आपने पार्टी के साथ दगा कर दी, अब भाजपा व मोदी जी की बैसाखियों के सहारे क्या हासिल कर लेंगे? वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी आजाद को निशाने पर लिया और कहा कि गुलाम नबी आजाद को ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस का नेतृत्व ही था जिन्होंने उनको आजाद बनाए रखा। सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद को क्या कुछ नहीं दिया, इसका गुलाम नबी आजाद ने जो सिला दिया उससे उन्होंने अपने नाम को गंदा किया है। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच आज कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप ने कहा कि वे आने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। किच्चा सुदीप ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी और कहा कि बीजेपी ने कठिन समय में मेरा साथ दिया था, मैं अब उनका समर्थन करूंगा, मैं केवल भाजपा के लिए प्रचार करूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। किच्चा सुदीप ने आगे कहा कि वे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का समर्थन करने आए हैं और वे जिस भी पार्टी में रहेंगे उसका समर्थन करेंगे। बिहार शरीफ और सासाराम में हुए दंगों के मामले पर आज बिहार विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष दलों के सदस्यों के बीच जमकर नारेबाजी हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता विपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सासाराम और बिहार शरीफ में हुए दंगों के मामले को उठाया। वहीं उनकी बातों का जवाब देने के लिए संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी खड़े हुए। हालांकि विपक्षी दलों की मांग थी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सदन में आकर जवाब दें, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दोनों में से कोई सदन में मौजूद नहीं था। हंगामे के दौरान स्पीकर के आदेश पर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा को मार्शल ने बाहर निकाल दिया। जीवेश मिश्रा चिल्लाते हुए बाहर आए और जमीन पर बैठ गए। बता दें, जीवेश मिश्रा बेल में आकर नालंदा और सासाराम के मामले पर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से जवाब देने की मांग कर रहे थे। जीवेश ने कहा कि सीएम से गृह जिला नहीं संभल रहा, सीएम से जवाब देने की मांग करना क्या गलत है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बिहार शरीफ और सासाराम में दंगों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि दो लोग बिहार में इधर उधर कर रहे हैं, एक राज कर रहा है और दूसरा उसका एजेंट बनकर घूम रहा है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर माहौल खराब किया गया है, जल्द ही हिंसा का सच सामने आ जाएगा।
नीतीश कुमार ने आगे कहा कि सासाराम और बिहार शरीफ में दंगा कराने की कोशिश की गई है, लेकिन ये लोग अपने इरादों में सफल नहीं हो पाएंगे। सब लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में कितना बढ़िया शासन चल रहा था, लेकिन इन लोगों को कुछ है जी, ये लोग सब चीज पर अपना कब्जा कर लिए हैं और जहां भी बढ़िया काम हो रहा है वहां काम डिस्टर्ब करते हैं। तेलंगाना बीजेपी चीफ बंदी संजय कुमार को पुलिस ने मंगलवार देर रात उनके करीमनगर स्थित आवास से हिरासत में ले लिया है। तेलंगाना बीजेपी चीफ को ऐसे समय में हिरासत में लिया गया है जब 3 दिन बाद 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। ANI की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस देर रात करीमनगर में बंदी संजय के आवास पर पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया। बंदी संजय को हिरासत में लिए जाने के समय वहां पर तनाव की स्थिति बन गई, जब बीजेपी नेता के समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को रोकने की कोशिश की। पुलिस बंदी संजय को उठाकर ले गई और उन्हें वैन में बिठाया। रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी नेता को नालगोंडा जिले के बोबल्ला रामाराम पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। हालांकि अभी तक हिरासत के पीछे की वजह नहीं सामने आई है। वहीं बीजेपी ने बंदी संजय कुमार की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पार्टी की राज्य इकाई के महासचिव प्रमेंद्र रेड्डी ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह केवल तेलंगाना में पीएम मोदी के कार्यक्रम में बाधा पहुंचाने की कोशिश है। आखिर बंदी संजय कहां चले जाते, उन्हें सुबह कानूनी कार्यवाही शुरू करनी चाहिए थी। रेड्डी ने सवाल किया कि एक सांसद के खिलाफ आधी रात को इस कार्यवाही की क्या जरूरत थी, अपराध क्या है और क्या केस है, वे हमें कुछ भी नहीं बता रहे हैं। ये केवल इसलिए है कि वह पेपर लीक मामले पर लगातार राज्य सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। रेड्डी ने आगे कहा कि हम पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ राज्य भर में प्रदर्शन करेंगे। मुसलमानों के 17 सदस्यीय दल ने मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली और इस डेलीगेशन में मौलाना महमूद मदनी, कमाल फारूकी, अख्तरुल वासे, इमाम असगर अली मेहदी समेत 17 लोग शामिल हुए। मुसलमानों के इस डेलीगेशन ने गृह मंत्री के सामने रामनवमी दंगे समेत कई अहम मुद्दों को रखा और इस दौरान हाल ही में हुई रामनवमी हिंसा के मामले समेत हेट स्पीच के मुद्दे को भी उठाया। डेलीगेशन में शामिल लोगों ने हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ गृह मंत्री से कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने मॉब लिंचिंग के मुद्दे को भी उठाया। 1.5 घंटे तक चली इस मुलाकात में कॉमन सिविल कोड के मामले पर भी डेलीगेशन ने अपनी बात को रखा और इसका विरोध जताया। इस दौरान हिजाब मुद्दे पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा मदरसों के मुद्दे को लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह के सामने बात रखी गई और कर्नाटक में मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म करने का मामला भी सामने रखा गया। इतना ही नहीं, डेलीगेशन ने वक्फ की जायदादों और कब्जे को लेकर भी बात की और कश्मीर के मसले को उठाते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने का सरकार का तरीका सही नहीं था। साथ ही असम में सरकारी जमीनों को खाली कराने के मामले को भी रखा गया और मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई की भी मांग की गई। मुसलमानों के डेलीगेशन ने समलैंगिकता के मामले को भी उठाया और कोर्ट में इस मामले पर सरकार से अपील की कि वह समलैंगिकता का विरोध जताए। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT ने नए सत्र के लिए 12वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में से महात्मा गांधी की मौत का देश में सांप्रदायिक स्थिति पर प्रभाव, गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता की अवधारणा ने हिंदू कट्टरपंथियों को उकसाया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध सहित कई पाठ हटा दिए गए हैं। हालांकि NCERT ने दावा किया है कि इस बार पाठ्यक्रम में कोई भी काटछांट नहीं की गई है और पाठ्यक्रम को पिछले वर्ष जून में युक्तिसंगत बनाया गया था। वहीं NCERT के निदेशक दिनेश सकलानी का कहना है कि ये कवायद पिछले वर्ष की गई थी और इस वर्ष जो हुआ वो नया नहीं है। हालांकि बिना घोषणा के युक्तिसंगत बनाने की कवायद के परिणाम स्वरूप हटाए गए अंशों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के नाम बदल दिए हैं। अब चीन की इस हरकत पर अमेरिका ने कड़ी आपत्ति जताई है। अमेरिका ने साफ शब्दों में चीन की इस हरकत की निंदा करते हुए कहा कि भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश पर दावा करने के चीन की कोशिशों का US दृढ़ता से विरोध करता है। अमेरिका ने कहा कि वह किसी भी एकतरफा प्रयास का कड़ा विरोध करता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कराइन जीन पियरे ने कहा कि यह भारतीय क्षेत्र पर चीनी दावे का एक और प्रयास है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर अमेरिका हमेशा से खड़ा रहा है। अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारत के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देता है और हम अरुणाचल प्रदेश के इलाकों का नाम बदलकर क्षेत्र के दावे को आगे बढ़ाने की किसी भी एकतरफा कोशिश का कड़ा विरोध करते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका का ये बयान चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय की ओर से अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के नाम बदलने के बाद आया है। चीन ने इन जगहों के नाम चीनी अक्षरों तिब्बती पिनियन भाषाओं में बदल दिए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी .com पर।